साहिबान साहब ने, पुष्पाल साहब ने, नीलम शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वुमेन सेल, उनके कंट्री लेडीज जी आई हैं, प्रवीण अख्तर यूथ के प्रेसिडेंट राकेश शर्मा जी, और जिन्हें भी मेरे इतने सुरेश जी, मेहता साहब, अरजीत सिंह अपने सरदार अरजीत जी, जश जी मेरे सैकटरी, जिन्नी भी टीम, क्या वह कठुए दिन, क्या वह हीरानगर दिन, क्या वह साउथ ब्लाक दिन, क्या वह नॉर्थ ब्लाक दिन, क्या हीरानगर दिन, क्या घगवाल ब्लाक दिन, उनका सारे को पहले मैं अपने ब्लाक उनका वेलकम करना। और अज सारे को बड़ी गल है कि अस शेख साहब के जन्मदिन पर कट्ठे हुए हैं, तो उसके कन्ने कन्ने कि एक कड़ी और जोड़ी दी है, जिहड़े इंचार्ज ने कठुआ के भारती शर्मा और मैं फोन किया, उन्हें आख्या कि तुस एक मैसेज मेरी तरफा दे दो कि इलैक्शन आ रहे हैं और डॉक्टर साहब भी आ रहे, फारूक साहब भी आ रहे कठुए, उन्हें भी सानू एक डायरेक्शन दी कि इलैक्शन वास्ते तैयार हो जाओ। एक तो खुशी की गल है कि अज अस जन्मदिन पर कट्ठे हुए हैं शेख साहब के जन्मदिन पर, उसके कन्ने कन्ने क्या चाहते हैं कि अज एक अस भी एक शपथ ले लीजिए कि नैशनल कॉन्फ्रेंस वाले एकजुट होइए, अपने अपने काम कर, शेरे कश्मीर ने एक नारा लाया था जिन्हें से हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास सारे कट्ठे होने वास्ते, मैं आखना कि उस पर अस शुरू ही अच्छे कि इकट्ठे होइए, और मैं सुनाई देना सारे ही कि नैशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आना चाहते हैं, और मैं MLA साहब जरा बोलीए कि बड़े लोग जेडे बखरी बखरी टानिए रहे ना, वो अज जुड़ना चाहते हैं नैशनल कॉन्फ्रेंस, और मैं गुजारिश करूँ सारे अगे कि जिन्हें भी साढ़े अहदेदार अज अं सही श्रद्धांजलि अगर शेख साहब की देगे ना, वो ये होनी है कि अस सारे लोग कट्ठे होइए जेडे पंचायत इलैक्शन आवा दे उनके वास्ते एकजुट होइए जे, और उन्हें इस पंचायत इलैक्शन जताइए दस्से, मैं नहीं आखा कि अस सारा कठुआ के जीती देना उन्हें, पर आना कि साढ़ा ना होना चाहिए, एक उपराले भी पता लगे, हाईकमान भी पता लगे कि नैशनल कॉन्फ्रेंस जी है वो कुछ ले आई है कठुए च लिया उन्हें। और मैं एक सुजैशन अपने डिस्ट्रिक्ट प्रधान और होर दें सैकटरी साहब की दें, जो अहदेदार इतने इंचार्ज उन्हें भी दें कि JP सिंह और एक गल आखी भी बड़ी पसंद आई, मैं आखना MLA की तो तुम अनाउंस कराओ कराओ जेडे करा, उन्ने कने जे अहदेदार साढ़े कठुए, मैं प्रधान साहब भी आखन कि एक खाका बना लो, उन्हें भी एक एक दो सरपंच दो, एक एक दो सरपंच अस आने कि उनकी ड्यूटी लाइड हो, देखो एक मेरी ड्यूटी गै लगती है, मैं इस पासों वो जराई को शुरू होना, लास्ट गूंगा जे वो कीड़िया तो शुरू होना, तो दूर तक जाना, मैं चाहना कि एक ब्लॉक प्रेसिडेंट उसी इंचार्ज बनाई दो, तो उसके जो सारे अहदेदार जी, मैं हूँ एक गल कर थोड़ा अपने कम्यूनिटी पर भी, जेड़े कुछ मुस्लिम उन्हें कि उस एरिए लाई ओड़ो जिस एरिए उनकी जान पहचान है, जिया शड्यूल कास्ट साड़ी बड़ी बात ही मेरे ब्लॉक शड्यूल कास्ट, मैं उनके अगर गुजारिश कर कि वो ऐसे ऐसे इंचार्ज बनाए थे, दो सरपंच पर एक साड़ा लीडर, जेड़े कठुए की लीडरशिप जी साड़ी बैठी हुई है बड़ी बड़ी लीडरशिप है, मैं अरजीत सिंह और गल कर इनकी बाहर नहीं भेजना कुछ, इन्हें कि उए एरिया देना क्या जाओ जी, अपना पंच तो सरपंच जिताइए कुछ, एक सरपंच दे दो जी, क्या जाओ जी थोड़ी ड्यूटी है एक सरपंच थोड़ा, जी मेहता साहब फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर साहब, उमर साहब राणा जी, दुद्ध सिंह राणा जी, शेख साहब, शेख साहब, जन्मदिन शेख साहब का मना रहे हैं, और ये सारे जो लोग हैं इसलिए आज इकट्ठे हुए हैं, और हम कहना चाहते हैं कि जो शेख साहब ने जो कुर्बानी दी हैं उनके टाइम के जो लोगों को गरीबों को उन्होंने उठाया, जो आज के हालात के मुताबिक जो उनके उनके उसके बाद भी अभी देखो पिछले जो गवर्नमेंट थी उसमें 400 का सिलेंडर था और 800 का सिलेंडर मिल रहा है, और महंगाई इतनी बढ़ गई है गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, और तब उन्होंने जब जमीन जमींदार था वो जो लोग किसान थे उनको ज़मीनें दी उनको, और बाकी यही हमारी जो वही है। आज के जो सर जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे? हाँ, उसका आज तो एक तो हमने जहाँ प्रोग्राम रखा था ये शेख साहब का 112वां जन्मदिन का था, और उसके साथ साथ जो अभी पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, तो
मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का इंचार्ज हूँ, तो यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी, तो हम आज जहाँ जो ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान थे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारी थी, हमने सबको बोला कि पंचायत इलेक्शन की तैयारी कर ली, और जैसा भी ये पंचायत का इलेक्शन आता है नेशनल, हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम इस बार डिस्ट्रिक्ट कठुआ से अच्छी सीटें जीत के पार्टी की झोली में हम डालेंगे, और ये लोगों को भी हम बता देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर कोई भी सरकार नहीं दे सकता, ना कोई चला सकता। देखो ना आज में ठहरे, यस, तो हमने आज मीटिंग रखी हुई थी अपना शेख साहब के जन्मदिन पर। ये शेख साहब ने जो जम्मू कश्मीर को एक डेमोक्रेसी दी, ये जो लोकतंत्र दिया है, शक्ति राज के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन खड़ा करके ये दिया, और ये लोग राज जो लोगों को दिया गया, आज उसी के सिलसिले में शेख साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, जो हमने आज पार्टी के सारे वर्कर को ये कह दिया है कि हमें आने वाला जो पंचायत इलेक्शन है, जो बेस से है, और इसको हमने जीतना है। अगर हम ये जीत के, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमने एक डेमोक्रेसी पैदा करते हैं, एक ग्रास रूट पे हम जीत के आएंगे, और उसमें हम इलेक्शन जीत के सच्ची श्रद्धांजलि शेख साहब को देंगे। हाँ बिल्कुल, जो बात आप कह रहे हैं कि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में फर्क जरूर है, जो फर्क मैं समझता हूँ, जो हम समझते हैं, उस समय की जो राजनीति थी वो एक सेवा भावना से की जाती थी, कि हमने अपने लोगों की, समाज की, रियासत की सेवा करनी। आज जो राजनीति आ गई है, इसमें बड़ा फर्क आ गया है पहले से। क्या राजनीति, कुछ बड़े ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं, जो अपने घर के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहता इसमें सारे कोई दूध के धुले हुए लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी में ऐसे लोग हैं जो लोगों के निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो लोगों की सेवा में काम कर रहे हैं, और हमें उसी की कामयाबी मिलती है। हम गरीब मजलूम और जो जिसका कोई सहारा ना हो, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथी सहारा बने। थैंक यू सर। आपने बात की है कि पंचायती चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे तरीके से तैयार हो रही है, आज मीटिंग थी, तो पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसका बड़ा काफ़ी विवाद हुआ, और जहाँ नारेबाजी भी हुई जम्मू में भी हुई, तो क्या लगता है इस तरह के बयानबाजी से कोई पंचायती चुनावों में फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उसमें जो मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने बयान दिया वो सच्चाई के आधारित बयान था। जो हमारे लोग हैं जहाँ, जो बीजेपी का, जो आरएसएस का एजेंडा है, वो लोग, कुछ लोग उनके एजेंडे पर चलते हैं। ये तकलीफ होती है तो बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को तकलीफ होती है। जो एक सेकुलर लोग हैं, एक अच्छी सोच के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि सच्चाई क्या है, और उसमें डॉक्टर फारूक साहब ने कोई सच्चाई से परे बयान नहीं दिया है, उन्होंने बिल्कुल सच्ची बात कही है, और वो आज नहीं तो 100 साल के बाद वही बात होने वाली है जो डॉक्टर फारूक साहब ने कही। जी सर, आज के जो श्रद्धांजलि समारोह था उसके बारे में बताएंगे। जी, मैं आज आपको बता दूं कि कठुआ में हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शेख मोहम्मद शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी का हमने 112वां जन्मदिन मनाया, जिसके लिए सारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम जो डिस्ट्रिक्ट सदर के जेरे नज़र थी, उन्होंने यहाँ पर एक फंक्शन किया और श्रद्धांजलि दी गई उनको कि उनके नक्शे कदम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो चले, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे के लिए अपनी बढ़ोतरी करे, कठुआ में कामयाब हो जाए। इसलिए हमने सबने मिलकर यही एक सबसे इल्तिजा की है, जितने भी हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदार बैठे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी हमारे वर्कर्स बैठे थे, उन सब ने एक डिसीजन लिया है, क्योंकि हमारे कल ही कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग वहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बुलाई थी, तो उन्होंने हमें ये आदेश दिया कि हम अब बाहर निकलें, बाहर निकलने के बाद हम हर पंचायत में जाएं, पंचायत में जाके हम अपने पंचायत जो है वहाँ जिताएं, और उसके साथ अपने जितने भी हमारे सरपंचीज हैं हम उनको जिताने की कोशिश करें। आज के कार्यक्रम में बताया जाएगा, दिन कार्यक्रम वाले दिन के उसके बारे में जाएगा। कार्यक्रम तो था शेख साहब के जन्मदिन का। जी जी, पर ज़्यादा मुद्दा जो हमने उठाया पंचायतों का, जो लग रहा है आज के हालात ऐसे बन गए हैं, ये गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवा रही करना चाहती, क्योंकि इनको मालूम है इनको इलेक्शन मिलेगा, ये बिल्कुल पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है, इसलिए ये है इलेक्शन के पीछे पीछे जा रही है। हालांकि होम मिनिस्टर को कहा था
कि जब तक आपको फंडिंग नहीं मिलेगी सेंटर से, जब तक आप इलेक्शन न कराएं, इनकी मजबूरी इस मजबूरी से वक्त और हालात के बारे में साजगार है कि इलेक्शन से पीछे भाग रहे। अमूमन देखा गया कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता तभी सक्रिय होते हैं जब कोई इलेक्शनों का दौर है, ऐसे आप सक्रियता ज़्यादा नहीं दिखती, ऐसा क्या? आप हर 20 तारीख को हमारी मीटिंग होती है और हर जो भी फंक्शन होते हैं, जैसे शेख साहब का जन्मदिन उनकी डेथ एनिवर्सरी हम मनाते हैं और बाकी सभी आप एक्टिव होने की, हर पार्टी उस वक्त एक्टिव होती है जब इलेक्शन का बिल्कुल होता है। फारूक साहब के आने पर कठुआ में कुछ दिनों पहले नारेबाजी की गई, क्या ये राजनीति थी या रणनीति थी? ये राजनीति है, रणनीति क्या है? जो फारूक साहब कहते हैं, क्या आज तक हमारी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास किया है कि हम वो इलाका लेंगे? क्या किया कांग्रेस ने? क्या कुछ किया? क्या उन्होंने किया होता हम कब कह रहे हैं कि वह नहीं लो उसको, पर जो रियलिटी है, सदाकत है ना, वो हमसे हमारा हिस्सा ले पाएंगे ना हम उनसे ले पाएंगे।